क्या हाल है मेरे भाई बहन। पिछले लेसन में हम बताए थे कि बिहार दरबार के यदि आप तैयारी करें या बिहार पुलिस के या दूसरे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जहां जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पीडी अपने आप में बहुत ही बढ़िया बुक है। अब बात आता है कि स्पीडी बुक को कैसे पढ़ा जाए कि लंबा समय तक आपको याद रहे, तो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ बाबू। जैसे देखिए, ये आपका स्पीडी का रेलवे सामान्य ज्ञान का है, हालांकि है रेलवे का लेकिन सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया वही घूम घूम के आते रहते हैं। तो देखिए बाबू, क्या है कि अगर यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा यहाँ से बाबू ऐसे करके, तो ये सब जो है वो याद होने में क्या होता है, बड़ी समस्या होता है। तो ये सब बाबू क्या होगा, याद होने में समस्या होगा। तो इधर तो शुरू नहीं करना है, जो पूछा गया वो देखिए यहाँ पर इस तरह दिखा दिया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये याद कीजिए। और ये बीचे वाला पढ़िएगा ना तो इसमें क्या याद आपको नहीं होगा, तो यहाँ से आपको याद करना है इस तरह से कि अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में अमरकोट में हुआ है ना। तो समझिए यहाँ से लेकर के बाबू यहाँ तक पढ़ते हुए पहले चले आना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ते हुए चले आना है। जब पढ़ लीजिएगा तो फिर मनन करना है। मनन करने का मतलब क्या होता है कि चैप्टर को पढ़ लिए है ना, जितना टॉपिक है पढ़ने के बाद सोचिए कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है, ऐसे क्या करना सोचना है। और सोचने के बाद दोबारा फिर यहाँ से यहाँ पढ़ना है, मतलब देखिए पहला बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ के चले आना है। अब फिर क्या करना है कि इसके ऊपर मंथन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना कि याद नहीं हो रहा, चिंतन करना है। अब फिर यहाँ से यहाँ आइएगा, दूसरा देखिए यहाँ से फिर यहाँ आइएगा, अब फिर बाबू उस तरह से क्या कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, अब फिर यहाँ से आइएगा, अब फिर यहाँ से आइएगा, मतलब ऐसे करें क्या। फिर क्या करना है कि आपको इसके ऊपर सोचना है, विचार करना है। हम लोगों को लगता है ना कि पढ़ाई मेन होता है, पढ़ाई मेन नहीं होता, मेन होता है बाबू इसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग होता है। पढ़ लिया ना, पढ़ने का प्रोसेस करना है, कनेक्ट करने का प्रयास करना है, समझ गए ना। तो एक बार यहाँ से यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, अब फिर क्या कीजिएगा कि बाबू चारों हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पढ़िएगा, समझ में आ गया। ऐसे बाबू अलग अलग पढ़िएगा, ध्यान रखना कि बीचे वाला नहीं पढ़ना है, बीचे वाला लास्ट में पढ़िएगा। अब बात होता है कि शुरू से पढ़ना चाहिए कि लास्ट में, देखिए शुरू और लास्ट मैंने नहीं रखता बाबू, जाने से आपको आसान लगे जाने से पढ़िएगा। देखिए यहाँ बीचे वाला है ना, बहुत क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ये नहीं पढ़ना। जो बाबू क्या है कि सबसे पहले ही सब जो दिया गया है, सेट दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये सब पढ़िएगा बाबू, तो क्या होगा आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा है ना। अब वही करना, पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना, उसका वो मंथन करना, चिंतन करना। देखिए सब दिखाई दे रहा ना, जहां से आसान लगे जहां से पढ़, मतलब ये हो गया कि आपको ये फिर में नहीं रहना है कि पहला चैप्टर से लास्ट चैप्टर जाना, उससे मतलब नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, जनने से आसान हो जाए, जनने से याद करना। स्पीडी का पढ़ने का एक और फायदा क्या है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो फिर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर इधर सेट में आ जाएगा, तो आप तुरंत पढ़े रहेंगे महानदी के, हाँ याद रख लो, याद रख लो है ना, मतलब ऐसा होगा। अच्छा दोबारा बार बार वही चीज आते रहेगा ना, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और फिर क्या होगा कि पढ़ने में मन लगने लगेगा। सबसे बड़ा बात बाबू है ना कि आप कनेक्ट करना शुरू कर लिए, इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो मान के चलिए कि आपका तैयारी बाबू हो गया। तो इस तरह से आप पढ़ करके देख सकते हैं, हमको तो बाबू बड़ी फायदा हुआ था, बाकी देखिए अगर आप लोगों को बेनिफिट ऐसा होता है तो पढ़िए। अभी सब सेट याद हो जाएगा ना, तो फिर बाबू क्या कीजिएगा कि जो बीचे वाला बोले वो पढ़ सकते हैं, शुरू वाला वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले सेट जो है ना वही सब पढ़िएगा, जो प्रीवियस ने पूछा गया 10-10 पीसेस करके दिया गया वो पढ़िएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा।